आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज गायन के अभ्यास में राग अलैया विलावल का परिचय, उसका आरोह अवरोह और उसकी पकड़ देखेंगे। इससे पहले कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे हमारा पाठ्यक्रम आपको समय से मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को पूरा देखें और पूरी समझ के साथ अभ्यास क्रम से जुड़े। तो आइए शुरू करते हैं राग अलैया विलावल। राग अलैया विलावल, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह विलावल का ही एक प्रकार है। इस प्रकार राग अलैया विलावल की रचना विलावल थाट से मानी गई है। यह भी शुद्ध स्वरों का राग है। इसके आरोह में मध्यम वर्जित होता है, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं, और अवरोह में सभी सात स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसकी एक विशेषता है कि इसमें अवरोह में दो धैवत के बीच में कोमल निषाद का प्रयोग होता है। इस राग के आरोह में छह स्वर और अवरोह में सभी सात स्वर लगने के कारण इसकी जाति षाडव संपूर्ण मानी गई है। इस राग का वादी स्वर धैवत और संवादी स्वर गंधार है और यह राग दिन के प्रथम प्रहर में गाया बजाया जाता है। आइए इसका आरोह अवरोह देखें। पहले राग का आरोह देखें। मध्यम को छोड़ देना है। ग प स रे ग प ध नि सा और अवरोह सा दो धा के बीच में कोमल नी लगाना है। सा नी धा नी कोमल नी नी धा प म ग म रे सा। अब रो फिर से देखें। सा दोनों साथ में देखें। सा रे ग प ध नि सा सा नि रा नि धा प म ग म रे सा। सा रे गा
सरकारी में देखें। इस तरह से इसके आरोह अवरोह का अभ्यास करें। मध्यम को आरोह में छोड़ देना है, अवरोह में दो धैवत के बीच कोमल नी का भी प्रयोग करना है। शुद्ध नी तो होता ही है, साथ में दो धैवत के बीच कोमल नी का भी प्रयोग होता है। तो इसको बार बार सुनकर इसका अभ्यास करें। और अब इसकी पकड़ देखें, गंधार से शुरू होता है। फिर से सुने, ग प ध नि सा ध नि ध प, ग प ध नि सा ध नि ध। इसका अभ्यास करें। संगीत में नियमित अभ्यास से ही लाभ होता है। यह पाठ आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।